हाथ में पकड़ा है और जो शक्तिशाली लोग हमारे सामने खड़े हैं, कांग्रेस के लोग, शिवसेना के लोग, यही बल्ले से हम लोग उनको हराएंगे और 23 तारीख को पूरे धारावी को दिखाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये धारावी के लोग, आम लोगों की लड़ाई है। इसलिए आप भी धारावी है, मैं भी धारावी हूँ, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब धारावी है, तो मेरे साथ सब लोग बोलो, आप लड़ेगी धारावी, लड़ेगी धारावी, लड़ेगी धारावी, लड़ेगी धारावी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके इतना बड़ा संगठन नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए ना चमचे हैं ना दलाल है, लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए ये धारावी की जनता है, जिनको साथ में लेके हम लड़ेंगे इस धारावी के लिए, क्योंकि मेरा जन्म धारा में हुआ, इसके लिए, इस धारावी के लिए मैंने कुछ सपना देखा है। मुझे लगता है कि धारावी के जो आम लोगों की जिंदगी जो है उसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह की जिंदगी जो है हम लोग जीते हैं, हमारे बच्चे जीते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग जो है ये आने वाला चुनाव जो लड़ने वाले हैं, इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये धारावी के हर एक बच्चे की लड़ाई है, धारावी के हर एक महिला की लड़ाई है, धारावी के हर एक युवक की लड़ाई है, धारावी के हर एक बुजुर्ग की लड़ाई है। इसमें हिंदू की भी लड़ाई है, मुस्लिम की भी लड़ाई है, क्रिश्चियन की भी लड़ाई है, तो ये लड़ाई धारावी की लड़ाई है, तो ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। तो इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए मैंने धारावी के लिए कुछ सोचा है, तो मैं आपको दरख्वास्त करता हूं कि जो विजन हमने धारावी के लोगों के लिए देखा है, वो विजन धारावी के लोगों को पता चले, क्योंकि यहां के लोग जो है, अभी अब पॉल भाई ने सबको जगाने की कोशिश की, यहां के लोग जो है ये जिंदा तो है, लेकिन कैसे जिंदा है इस बारे में उनको ठीक से पता नहीं है, और यही सब चीजों को साथ में लेकर हम लोग ने हमारा एक घोषणा पत्र बनाया है, हमारा एक शपथ पत्र बनाया है। जो शपथ पत्र जो है वो हमने बनाया है 500 रुपए के बॉन्ड के ऊपर। मैं एक वकील हूं तो कायदा समझता हूं, कानून समझता हूं। यहां पे 40 साल से हम लोग जो है सिर्फ धोखा खा रहे हैं, 40 साल से हमको डराया जा रहा है, 40 साल से हमको लालच दी जा रही है, और उसके बदले में हमारे वोट लिए जा रहे हैं। वोट के माध्यम से हमने बाप को चुन के दिया, वोट के माध्यम से हमने बेटी को चुन के दिया, अब आ रहे हैं उनके बहन को लेके। उनकी बहन जो है उनका नाम है ज्योति गिरी गोसावी। अचानक में आपने देखा होगा कि यहां पे ज्योति गायकवाड़ के नाम से एक उम्मीदवार खड़ा है और वो वोट मांग रहा है। तो ये सब चीजों के ऊपर हम लोग को सोचना है, हमको धारावी के बारे में सोचना है। इसलिए मैं यहां पे जो लोग बैठे हैं उनको विनती करता हूं कि मेरी घोषणा पत्र का जो पहली घोषणा जो मैंने लिखी है उस घोषणा का वीडियो चलाए। बल्ला उठा के बल्ला पालवा किधर है, इनको बोला ईश्वर, ईश्वर बापा किधर गए, ईश्वर बापा को बुलाओ, बोलो शाम को बुलाओ। लड़ेंगे, पहले लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, निकलो घरों मकानों से, निकलो बेमानों से, जो सरकार निकम्मी है, सरकार
आज के सभा के बारे में कि आज का क्या पूरा मोटो था, आज के सभा का क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव है और हम लोग धारावी के आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ना ही यहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार को, हमारे परिवार को, हमारे बहन को वोट मांग रहे हैं, ना ही हम लोग कोई विकासक के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग वोट मांग रहे हैं धारावी के आम लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 40 सालों से धारावी के आम लोग जो है वो परेशान है। यहाँ पे आम लोगों के लिए शौचालय नहीं है, यहाँ पे ना ही स्कूल बन पाया, ना कॉलेज बन पाया, ना यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल बन पाया। धारावी में आप देखोगे तो जगह जगह पे आपको कूड़ा कचरा दिखेगा, जगह जगह पे कचरे का ढीक दिखेगा। यहाँ पे अभी विकास के नाम पर धारावी के लोगों को धारावी के बाहर भगाने का प्लान चल रहा है और इस प्लान में सभी लोग शामिल है। ये सब पार्टियों ने, कांग्रेस ने, शिवसेना ने, जितनी भी पार्टियां हैं, महाविकास हो, महायुति हो, महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े नेता जो है वो पवार साहब है। और पवार साहब जो है वो खुद अदानी के साथ में घूमते हैं। रोहित पवार जो है खुद अदानी के ड्राइवर बन के गाड़ी लेके घुमाते हैं। तो उनके ऊपर हमको पूरा संदेह है कि अगर उनकी सत्ता भी आती है तो धारावीकरों को न्याय मिलने वाला है नहीं। इसके लिए महाविकास आघाड़ी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। और जहाँ पर महायुति की बात है, महायुति तो खुद अदानी है, क्योंकि महायुति जो है वो अदानी का ही काम करने वाला है। तो इसके लिए हमको चाहिए कि धारावी के लिए आम लोगों की जो लड़ाई है, धारावी कर लड़े। तो मेरे जितने साथी हैं सब लोग ने मुझे विनती करके यही कहा कि हम लोग को लड़ना पड़ेगा, धारावी के लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धारावी के लोग जो अमानवीय जीवन जी रहे हैं, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है, यानी शौचालय हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, इससे हमारे लोग जो वंचित है, उनको अगर हमको न्याय देना होगा तो हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग लोगों का विकास कर सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए हम लोग सब मिलके यहाँ पे, हमारे जितने साथी हैं, मैं अकेला उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरे साथ में जितने लोग मेरे खड़े हैं वो सब उम्मीदवार है। और जो जोश से मैं लड़ रहा हूँ वही जोश से हमारे सब साथी लड़ रहे हैं। और हाथ में हमने बल्ला लिया है, क्योंकि धारावी की सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फील्डिंग लगाई है। अगर ये बल्ला आउट होता है हमारा तो पूरी धारावी जो है वो आउट हो जाएगी और हमको मानकुर के डंपिंग ग्राउंड पे या भांडू मुलुंड विक्रोली के सॉल्ट पन पे फेंका जाएगा। इसके लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में कौन कौन से धारावी के लिए बड़े मुद्दे हैं जिनको आप पकड़ के चुनाव के इस क्षेत्र में? देखिए, यहाँ पे जो विधायिका है उनका परिवार 40 साल से राज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। इसके लिए हमने सबसे पहला उनको यही सवाल पूछा कि हमको पिछले 40 साल का हिसाब दो। लेकिन पिछले 40 सालों में यहाँ पे ना शौचालय बन पाया, ना स्कूल बन पाया, ना अस्पताल बन पाया। यहाँ के अगर आप कचरे की अवस्था देखोगी तो बहुत ख़राब है। लेकिन आप वो कौन सा अवस्था लेके आइए, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ। धारावी के लोग जो है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सनराइज भी नहीं पूछते, मतलब सूरज की किरण भी हमारे घर पर नहीं पूछते। ऐसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो हमको सबको विकास चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर धारावी के बाहर हमको जाना नहीं है। धारावी के हर एक परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले, ये लड़ाई मैं पिछले 10-12 साल से लड़ रहा हूँ। पहले मैं लड़ाई वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ ही लड़ता था, क्योंकि वही यहाँ से 20 साल से वही विधायक रही है, वही यहाँ पे मंत्री रही है और पूरी पॉलिसी जो है वो उनके कार्यकाल में ही बनी है। लेकिन आज वो मैदान पर उतरती है और लोगों को बोलती है, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी के लोग बाहर भेजेंगे। तो धारावी के लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है और धारावी को लोगों के साथ में उन्होंने पहले धोखाधड़ी की है, क्योंकि उनकी बहन जो है ज्योति गिरी गोसावी, उनका नाम उसने चेंज कर दिया है, उसका एड्रेस चेंज कर दिया है। और जून 2024 में ये सब कारनामा करने के बाद में अब वो धारावी की बेटी बनकर धारावी के लोगों के सामने आकर वोट मांग रही है। ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ, इसके लिए हमने शपथ पत्र 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पर बनाया है। मैं धारावी के सभी लोगों को ये बॉन्ड पेपर के माध्यम से 6 गारंटियाँ जो है, ये मैंने 6 गारंटी जो है धारावी के लोगों को दी है। इसमें सबसे पहली गारंटी ये है कि धारावी के सभी लोगों को 24 घंटा और मुफ्त शौचालय मिले, क्योंकि यहाँ पे शौचालय माफिया है और यहाँ पे 12 बजे शौचालय बंद किया जाता है और सुबह 5 बजे खोला जाता है। तो 12 के बाद में अगर किसी को टॉयलेट आती है तो उसको अपने घर में ही करनी पड़ती है और उसकी वजह से बीमारी फैलती है। दूसरी गारंटी यहाँ पर मैंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दी है, क्योंकि स्वास्थ्य की यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे नया अस्पताल नहीं बन पाया, यहाँ पे कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं है। धारावी के लोगों को साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक बेड पे 3-3 लोग को लेटना पड़ता है, 3-3 सोना पड़ता है। और प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो लाखों रुपया बिल लेके वो लोग लूटते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्वास्थ्य गारंटी दी है। शिक्षा के लिए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए भी वर्षा गायकवाड़ ने कोई भी स्कूल कॉलेज यहाँ पे नहीं बनाया। धारावी के लोगों को धारावी के नाम पर धारावी के बाहर एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी लोग हैं खाली पिन कोड की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति है। तो धारावी के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग धारावी में एक आधुनिक करियर लैब बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके धारावी के बच्चों को आगे क्या करना है
वो पता चले। हमारी चौथी गारंटी जो है वो धारावी को कचरा मुक्त करने के लिए है, क्योंकि धारावी में जगह जगह पे कूड़ा कचरा है और वो कचरे से ही रोगराई फैलती है और लोग बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग कचरे की योग्य प्लानिंग करेंगे और पूरा कूड़ादानी लगाएंगे। हमारी पांचवी गारंटी ये है कि धारावी के हर व्यक्ति को, हर परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले और धारावी का एक भी परिवार जो है ये विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए। हमारी छठी गारंटी ये है कि धारावी के सभी उद्योगों का आधुनिक तरीके से धारावी में पुनर्वसन हो, क्योंकि धारावी में गारमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, कुंभारवाड़ा है। तो ये सभी उद्योग जो है पुनर्वसन के नाम पे धारावी के बाहर ढकेलने का प्लान जो है ये हुआ है। तो ये छह गारंटियों के साथ में हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और हम वर्षा गायकवाड़ को और उनके कांग्रेस के पूरे लोगों को यही पूछना चाहते हैं कि पिछले 40 सालों में आपने तो कुछ किया नहीं। अभी अदानी के नाम पे डरा के आप लोग वोट मांग रहे हो, पहले धर्म के नाम पे डरा के आप वोट मांगते थे, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगते थे, लेकिन हम लोग का धर्म जो है धारावी है, धारावी का हर एक इंसान जो है वो हमारे साथ में ये लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए हमने नारा भी दिया है, अब लड़ेगी धारावी जीतेगी धारावी का, क्योंकि ये धारावी आम धारावी करो की लड़ाई है। एक अंतिम सवाल है कि आप धारावी के जनता से लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्यों आपको वोट? देखिए, धारावी के लिए हम लोग पिछले अनेक वर्षों से लड़ रहे हैं। धारावी के साथ में कांग्रेस ने 40 साल से धोखाधड़ी की है और इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। हमारा जो पास था, जो भूतकाल था, वो तो इन्होंने खराब कर दिया। हमारा वर्तमान खराब हो रहा है, लेकिन हमारा भविष्य जो है वो अगर सुधारना है, भविष्य अगर हमको बचाना है, तो हमको नए भविष्य के लिए नया नेतृत्व धारावी में बनाना पड़ेगा और नए नेतृत्व के लिए हम सब धारावी कर तैयार है और धारावी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। देखिए, ये लोग जात की, धर्म की ये राजनीति करते हैं। तेलुगु वोटर्स को लुभाने के लिए कर उन्होंने रेवंत रेड्डी को लाया, लेकिन वो भूल गए रेवंत रेड्डी की अदानी की डील है तेलंगाना में। तो वैसे आदमी को लाके वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि धारावी के बारे में उन्होंने डील की है। कल यहाँ पे माधवी लता आई थी, जो हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है, जो हिंदू मुस्लिम हमेशा करती है दंगे लगाने की बात करते हैं, तो ऐसे दंगेखोरों को ये लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कल इमरान प्रतापगढ़ी आया था, मुसलमानों के वोट लेने के लिए इनको ये सब करना पड़ता है। अगर इन्होंने विकास किया होता, धारावी में कुछ भी काम किया होता, मैं आपके माध्यम से मैं वर्षा गायकवाड़ को चैलेंज देता हूँ कि अगर उसने धारावी के लिए अगर 5 काम किए होंगे, वो 5 काम बताओ कि आपने धारावी के हित में किए हैं, तो मैं आने वाला चुनाव जो है ये मैं नहीं लड़ूंगा और मैं उनके लिए जनता के सामने जाकर वोट पाऊंगा। तो वो काम के आधार पर नहीं, ये स्टार प्रचारक और ये हिंदू मुस्लिम, ये अदानी, इनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 20-25 साल से तो मेरे ध्यान में है कि यहाँ का विकास होने के लिए बहुत सारी योजना बन रही है, कौन सी बहुत बड़ी कारण होगा जो आपके नज़र में बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट भी आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आई, दोनों गवर्नमेंट आई, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ। देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है वो कमीशन की है, पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े बड़े कमीशन खाने हैं, तो इनके कमीशन के चक्कर में पूरी धारावी जो है इतने अनेक वर्षों से ऐसे ही अविकसित होकर पड़ी है। 2004 से पूरे SRA प्रोजेक्ट यहाँ पे स्क्रैप किए गए, 2004 से 2020 तक 20 साल हो गए, यहाँ पे विकास के नाम पर एक ईंट भी रची नहीं गई है। तो आप सोचिए कि जी क्या परिस्थिति में धारावी कर जिंदगी जीता रहेगा। तो इन लोग सिर्फ अपना कमीशन खाने के लिए ग्लोबल टेंडर, ये बिल्डर वो बिल्डर, उसके चक्कर में इन्होंने धारावी को पीसा पड़ा है। तो अगर हम लोग धारावीकरों के हाथ में अगर सत्ता आती है, तो हम अच्छी तरह से पूरे प्लानिंग के साथ में धारावी का पूरा विकास भी करेंगे और धारावी के परिवार, एक भी परिवार को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान से वंचित नहीं होने देंगे। आज मैंने, आपने देखा भी होगा, आज मैंने यहाँ पे किचन बांटी है। वो किचन इसके लिए बांटी है कि अगर मैं जीतता हूँ तो वो किचन के साथ में चाबी भी उनको बांटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।